जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों एवं अनमोल सॉफ्टवेयर के निराकरण न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना देने के संबंध में कलेक्ट्रेट के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है। वही न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर शासन प्रशासन को अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया है, लेकिन आज दिनांक तक समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, जिसके संबंध में संगठन के लोग मांग पूरी न होने पर हड़ताल करने को विवश हैं। एवं ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है, हमारी मुख्य मांग यह है कि संविदा एनएम को रेगुलर किया जाए एवं हमारी एनएम को नर्सिंग कैडर में न मानते हुए उनसे नर्सिंग कार्य लिया जाता है तो उन्हें नर्सिंग कैडर में माना जाए और ब्रह्म स्वरूप समिति का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा जहां लाभ दिलाया जाए एवं समय मान वेतन मान का लाभ विगत कई वर्षों से हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, हम लोग भटक रहे हैं जहां उसका लाभ दिलाया जाए एवं इन सभी 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है। वही अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओरे ने बताया कि न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है जिसे शासन स्तर पर भेजा जाएगा। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। अध्यक्ष न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से हूं और हम लोग 12 सूत्री मांगों को लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। आज हम देने आए थे यहाँ पर और हम लोग की 12 सूत्री मांगों मुख्य मांग ये है कि हमारी संविदा एनएम को रेगुलर किया जाए और जो हमारी एनएम को नर्सिंग कैडर में न मानते हुए उनसे नर्सिंग का कार्य लिया जा रहा है तो उनको नर्सिंग कैडर में मांगा जाए और ब्रह्म स्वरूप समिति का जो हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है वो लाभ हमें दिया जाए और जो समय मान वेतन मान के लिए हम लोग 20-20, 30-30 सालों से भटक रहे हैं, न दूसरा समय मान वेतन मान लग रहा है न तीसरा समय मान वेतन लग रहा है, हम लोग 35-35, 36-36 साल की नौकरी कर लिए हैं और समय मान का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसी सब के लिए हम लोग की 12 सूत्री मांगों को लेकर लड़ाई है। हम लोग उमरिया जिले में दिनांक 22 से हड़ताल कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल, उसकी सूचना आज हम लोग जिला अध्यक्ष महोदय को दिए हैं। हमारी जो 12 सूत्री मांग है न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की 12 सूत्री मांग है, उस मांग पत्रों में विगत पिछले आठ वर्षों से चल रहा है, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जब नरोत्तम मिश्रा जी थे वो हमारी मांगों में जो हमारी हड़ताल चल रही थी तो वो मांग लिखित सूचना लिखित दिए थे कि आप लोगों की मांग मान ली जाएगी जो जायज मांग है, उसके लिए उन्होंने कमेटी गठित की थी। उसके बाद भी हमारी मांगें पूर्ण नहीं हुई, फिर उसके बाद माननीय रुस्तम सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री बने, उस बार हम लोगों ने हड़ताल किया, उसके बाद रुस्तम सिंह जी ने अनिश्चितकाल हम लोग हड़ताल खत्म की, वो भी हमारी मांग को जायज बताए और ये बोले कि इसी सत्र में आप लोगों की बजट सत्र में मैं आप लोगों की मांग पूरी करा दूंगा, किंतु आज दिनांक तक 8 वर्षों से हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। उसमें मेन मांग हम लोगों की है वेतन विसंगति जो हम लोगों की है वो वेतन विसंगति दूर की जाए, दूसरा जो हमारी बहन है संविदा एनएम 12,000 रुपये वेतन पा रही हैं, जिससे उनसे ज़्यादा वेतन जो आशा सुपरवाइजर हैं उनको दिया जा रहा है, जबकि संविदा एनएम जो हमारी बहनें हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम करती हैं। कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है इस समय, वर्तमान समय में कोविड महामारी में हमारा जो स्वास्थ्य विभाग कमला था पूरा जी जान से लगा के कोविड महामारी में हम लोगों ने काम किया, आज भी हम लोग हड़ताल करने के पक्ष में नहीं हैं, किंतु कोविड महामारी को देखते हुए वैक्सीनेशन हमारा चल रहा है, कल हमारा महाअभियान है, हम लोग अपने काम दायित्व को पूरा करना चाहते हैं, किंतु शासन की हठधर्मता के पीछे मजबूर होकर हमारे प्रांतीय आह्वान पर अभी 28 जिले आज शाम तक हड़ताल पे हैं और अगर 22 तारीख तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती तो उनके समर्थन में उमरिया जिला भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चला। हमारे कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके ऊपर सरकार को गंभीर होना चाहिए और जो उनकी वाजिब मांगे हैं जिनका कि निराकरण हो सकता है वो मिल बैठ करके बातचीत करके उसका एक मार्ग निकाल के उनके हक में जो फैसले लिए जाने हैं वो किए जाने चाहिए। मैं कोर्टयार्ड मैरियट का एक उदाहरण देना चाहूंगा। कोर्टयार्ड मैरियट के मालिक ने एक बार अपने वर्कर्स को बुलाया और उनसे ये कहा कि मेरा जो भी मुनाफा होगा उसका एक बड़ा जो हिस्सा है वो मैं आप लोगों को वितरित करना चाहता हूं और उसकी वजह ये है कि अगर आप खुश रहोगे तो ये संस्थान बहुत अच्छा चलेगा और इस संस्थान की आय भी बढ़ेगी। तो
किसी भी संस्थान के जो कर्मचारी हैं वो संस्थान बेहतरी से काम करे, उस संस्थान से जुड़े हुए लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए और कहीं ना भटकें, उसके लिए आवश्यक ये है कि उनको सम्मानजनक राशि प्राप्त होनी चाहिए, उनका जीवन खुशहाली से बीते इस बात के लिए जो भी राशि उनको प्राप्त हो रही है उसमें वो बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से उन स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर अपना ध्यान दें और लोगों को जो मदद पहुंचानी है वो मदद पहुंचाएं। मैं सरकार से इस बात के लिए निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि गंभीरतापूर्वक उनकी मांगों को सुना जाए, क्योंकि एक ऐसी सेवा है जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मी जितने खुशहाल होंगे उतनी खुशहाली से वो लोगों को अपनी सेवाएं अर्पित कर पाएंगे। और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर कर्मचारी अगर एक बार हड़ताल पे आता है तो हम भी ये समझते हैं कि उनके मानव दिवस का बड़ा नुकसान होता है, लोगों को बड़ी असुविधा होती है। स्वास्थ्य सेवाओं में तो अगर एक बार अस्पताल के कर्मी या उस सेवा से जुड़े हुए लोग अगर स्ट्राइक पे चले गए तो हाहाकार मच जाती है। तो मेरा ये अनुरोध है कि एक मध्यमार्ग निकाला जाना चाहिए, आपस में बैठ के बातचीत करके सुलह करके उन रास्तों को निकालें जिनसे कि कर्मचारियों के हित में फैसले हो सके जो सरकार की सीमाओं के अंतर्गत हैं, और उनको इस बात के लिए विवश न होना पड़े कि उनको सड़क पर उतरना पड़े या हड़ताल करनी पड़े। वो स्थिति ही क्यों आए, वो नौबत ही क्यों आए, उसके पहले ही इनका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा है। और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि संगठन के लोग और सरकार के लोग तमाम जिम्मेदार लोग इस बात के ऊपर गंभीरता से ध्यान देंगे और मध्य मार्ग निकाल के इन समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। ये स्वास्थ्य कर्मी को लेकर 12 सूत्री मांगों को लेकर जिनमें शासन स्तर पर एक ज्ञापन छपा है, तो जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है वो शासन को प्रेषित कर रहे हैं।